हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको GDS BPM के लिए अप्लाई करना चाहिए कि GDS ABPM के लिए अप्लाई करना चाहिए या डाक सेवक के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सबका अलग अलग अपना प्रॉपर्टी, मतलब अपना अपना महत्व है। तो आप अपने रुचि के हिसाब से आपका क्या काम करने का इच्छा है, आप आगे करना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप अपना पोस्ट अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, GDS वही लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है घर में, ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, अनस्टेबिलिटी रहता है घर में, तो वो लोग GDS ज्वाइन करता है क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं रहता है। GDS जो रहता है, जो फॉर्म भरता है एप्लीकेंट, वो लोग टैलेंटेड रहता है, आगे अच्छा अच्छा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकता है, बट उन लोग के पास पैसा नहीं रहता है। इसी वजह से GDS ज्वाइन करके सोचता अपना गरीबी दूर कर ले। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि आप अगर GDS BPM ज्वाइन करना चाहते हैं, बात कर लेते हैं GDS BPM, GDS ABPM, GDS डाक सेवक, ठीक है। GDS BPM की बात कर रहे हैं, यानी GDS को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हम, एक BPM में, एक ABPM, एक डाक सेवक यानी कि मेल कैरियर में। तो BPM में उसको भरना चाहिए जो फाइनेंशियली वीक है और चाहता हम जल्दी अच्छा खासा रुपया अर्न कर ले और मेरा थोड़ा रेपुटेशन भी बना रहे, ऑफिशियल काम हो, हमको फील्ड में काम नहीं करना पड़े, तो वो लोग को BPM अवश्य भरना चाहिए। 100% श्योर आप BPM में भरिए, ठीक है, चाहे आपका कितना भी परसेंटेज हो। अगर आपका सिलेक्शन ऑलरेडी ABPM या डाक सेवक में हो गया तो आप कोशिश कीजिए BPM में भरने का, ठीक है। क्योंकि BPM का सीट बहुत कम रहता है और सिलेक्शन होने का संभावना कम रहता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या होता है कि ज़्यादा परसेंटेज चाहिए BPM में सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी कम परसेंटेज वाला भी BPM बन जाता है। और बाद बाकी आया ABPM वो लोग को सेलेक्ट करना चाहिए जो आगे और पढ़ना चाहता है, आगे पोस्ट के लिए जाना चाहता है, अलग अलग एग्ज़ाम देना चाह रहा है, सोचता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, इधर पैसा अर्निंग हो जाए, लेकिन मेरा सोच डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में नहीं है, हम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कमिश्नर बनना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो वगैरह वगैरह ढेर सारे एग्ज़ाम है इंडिया में, वो बनना चाहते हैं, या फिर हायर पोस्ट पे, पोस्टल में ही हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो वो लोग को टाइम चाहिए ना पढ़ने के लिए। तो वो लोग अगर चाहता है कि नहीं हम पढ़ाई भी करें और नौकरी भी बना रहे, तो ABPM सेलेक्ट कर लीजिए, उतना प्रेशर नहीं रहता है। बस जो लेटर वगैरह आता है, अच्छे स्ट्रेटजीज अगर डिलीवर करेंगे, गुड स्ट्रेटजी लगा करके, तो आराम से आप लेटर डिलीवर कर देंगे कम समय में, कोई प्रेशर बर्डन भी नहीं आएगा और पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिलेगा। और बाद बाकी बचा डाक सेवक भी वो लोग ज्वाइन करना चाहिए जिसको आगे बढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए अभी उसको इच्छा है कि हम पढ़ाई करके हायर पोस्ट पे जाएंगे, तो सेम कंडीशन डाक सेवक में भी है। तो आराम से आपका काम क्या है, डाक को लाना, ले जाना अकाउंट ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस से अकाउंट ऑफिस, इतना ही काम काफ़ी है बस। और आपके पास तो काफ़ी टाइम रहता है पढ़ने के लिए, आप व्हाट्सएप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया का यूज़ ले सकते हैं, जैसे आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब तक डाक नहीं बने तब तक आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का, ठीक है, पढ़ाई जनरल कंपटीशन या UPSC का तैयारी जो करना चाहते हैं। तो BPM क्या है कि BPM को पैसा वगैरह सब काफ़ी देता है क्योंकि कमीशन मिलता है BPM के पोस्ट पे जब जाने पर, बहुत सारे कमीशन होता है, फिक्स डिपॉजिट का कमीशन, इंश्योरेंस का कमीशन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का कमीशन, आधार कार्ड का कमीशन, बहुत सारे कमीशन जुड़ा रहता है। और सैलरी तो मिलता ही है, 2000 ज़्यादा भी मिलता है बेसिक सैलरी ABPM डाक सेवक के कंपेरिजन में। तो BPM बनने का बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि काम पढ़ने के लिए कम समय मिले। बट अगर आप पढ़ाई, हाँ, BPM पोस्ट पे रह के भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बर्डन नहीं आएगा कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत काम है। आप स्मार्टली अगर काम करेंगे BPM पोस्ट पे और पैसा के साथ साथ सोचते हैं कि हायर पोस्ट पे जाने का भी, ऑफिशियल काम भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धूप में ऑफिस से बाहर नहीं जाएं, हम कैसे डिलीवर करें, तो इसके लिए आप ऑफिशियल काम कीजिए, इसके लिए BPM पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। ABPM जो पढ़ना चाहता है, सोचता है ज़्यादा प्रेशर ना लेकर के हम पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ेंगे, तो ABPM डाक सेवक भी सेम है क्योंकि वो लोग को थोड़ा बहुत फील्ड वर्क करना पड़ता है, लेटर डिलीवरी तो
आराम से हो जाता है स्मार्टली अगर काम करेंगे तो। दूसरे को भी आप लेटर दे करके साइन करवा सकते हैं, ठीक है। किसी किसी को दोस्ती कर लेंगे, बोलेंगे मान लेते हैं इस साइड का कोई लेटर है 5 टा, वहाँ पे कोई दोस्त है तो उसको दे देंगे, बोलेंगे उसको दे दीजिएगा। इस तरह से लेटर स्मार्टली डिलीवर हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता और आपको काफ़ी मिलता है टाइम पढ़ने के लिए। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ चाहते हैं कि अच्छा खासा अर्निंग भी हो तो BPM इज़ द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं सिर्फ पढ़ाई करें, कम काम करें, ज़्यादा प्रेशर ना ले, जितना भी रुपया आता आप उसी में खुश हैं, तो उसके लिए ABPM ठीक है, या डाक सेवक ठीक है, ठीक है। उस वो लोग में ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, ऑफिशियल काम करना चाहते हैं, तो BPM अच्छा है। आपको कितना भी परसेंटेज है, आप एक ना दो पोस्ट आप BPM के लिए ज़रूर भरिए। अगर जिसका सिलेक्शन ABPM डाक सेवक में हो गया है तो अगर वो चाहता है BPM बने तो वो भी भर सकता है, क्योंकि अभी स्पेशल ड्राइव आया है और साइकिल 6 आने वाला है, तो वो लोग BPM में भर करके BPM बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ABPM कभी भी BPM नहीं बनेगा, तब बनेगा जब उसका लेवल 2 होगा ABPM का, और ABPM का लेवल 2 होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर ABPM लेवल 2 हो गया तो BPM लेवल 1 में आ सकता है वो, उसके लिए बहुत समय लगेगा। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अभी ही फॉर्म भर दो, आप BPM ले लो, ठीक है। ये सब टर्म एंड कंडीशन है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाइए, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए आ जाइए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा लिंक। जाइए, बाय बाय।